the applicant. You'll get it. नमस्कार, पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम एंजॉय एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदयनिया। तो परीक्षाओं का समय चल रहा है और परीक्षाओं के समय छात्र छात्राओं की तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। कई तरह की ऐसी परेशानियां होती हैं जिनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार परीक्षाएं बिगड़ जाती हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमने ये खास कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें हम एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि कैसे इन समस्याओं से उभरा जा सकता है और किस तरह से इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी जी। सत्यकांत जी, आपका स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो आज सत्यकांत जी से हम जानेंगे कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ छात्र छात्राओं को होती हैं परीक्षाओं के समय, उनसे कैसे निजात मिल सकती है। सत्यकांत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अक्सर परीक्षाओं के समय हम देखते हैं छात्र छात्रा बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है अच्छे मार्क्स लाने का, एक कंपटीशन का जो समय है उसके समय। तो ये जो मानसिक तनाव है उससे कैसे निजात मिल सकती है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें इसके प्रति अपना रवैया बदलना पड़ेगा, मानसिक रवैया। मुझे चूंकि मैं भी उन्हीं एग्जाम से गुजरा हूं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि यूजुअली बोर्ड परीक्षाएं भारत में ज़्यादा सरल होती हैं। अगर हम प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें तो ज़्यादा सरल होती हैं, तो उसे दूसरे एग्जाम्स की तरह लें। सारा का सारा जो हाइप क्रिएशन है वो बोर्ड जो हम उपसर्ग यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बन जाता है। तो उसको एक सामान्य एग्जाम की तरह ही लें। जैसे आपने जो गैर बोर्ड परीक्षाएं थी उसके लिए तैयारियां करी थी, या आप जैसे टेंथ में हैं तो आपने ऑलरेडी आपको 9 एग्जाम देने का एक्सपीरियंस प्राप्त है, आप ट्वेल्थ में हैं तो आपको 11 परीक्षाएं देने का अनुभव प्राप्त है, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि जो प्रश्न पत्र होता है वो इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि एवरेज बच्चे भी उसको सॉल्व कर सकें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लास्ट टाइम जब हमारा एग्जाम बड़ा करीब होता है तो वो वहां पर विषय का एग्जाम ना होकर के हमारी मानसिक अवस्था की परीक्षा हो जाती है। तो जो जितना सुकून से वहां पे परफॉर्म करता है उसका रिजल्ट भी बढ़िया आता है, और वहां पे अगर हमने हड़बड़ी करी, साल भर की चीजें एक दिन में हम सोचते हैं कि हम कॉम्बैट कर लेंगे या क्रिएट कर लेंगे या जान जाएंगे या याद रह जाएगी, तो ऐसा होना असंभव है। आपका जो भी फंड ऑफ नॉलेज है वो धीरज और विवेक मिलकर के चीजें सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बोर्ड परीक्षाओं की बात कही। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर छात्र छात्राओं पर होता है, कहीं ना कहीं एक इस तरह का वातावरण बोर्ड एग्जाम का बन चुका है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है। जिस दूसरी भी परीक्षाएं होती हैं बोर्ड एग्जाम जैसे ही होती हैं वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बोर्ड एग्जाम का जो डर है वो आखिर इस तरह से क्यों बना हुआ है, और आखिर छात्र छात्राओं को इस तरह से दूसरे एग्जाम की अगर तुलना में बात की जाए तो इस एग्जाम में ज़्यादा क्यों डर लगता है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इसका हाइप क्यों क्रिएशन हुआ, ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए कि टेंथ में जो बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है उसके लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल्स हैं या कुछ क्राइटेरियाज हैं कि इतने परसेंटेज पर ही हमें वो सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो मैथमेटिक्स हो सकता है, वो बायोलॉजी हो सकता है, एग्रीकल्चर या कॉमर्स के विषय हो सकते हैं। तो कई बार हम ये नंबर ये अचीव इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने मन मुताबिक आगे की एक्सट्रीम चूज़ कर सकें। दूसरा, आप देखिए कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है वहाँ पे यूजुअली जो एंट्री है कॉलेज स्तर पर 12वीं के बाद, वहाँ पर परसेंटेज इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ताकि आपको कॉलेज का स्तर बढ़िया मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉलेजेस का स्तर सब एक जैसा कर दिया जाए, जब एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी, तो मुझे लगता है परसेंटेज का जो एक माइंडसेट है वो उस पर काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि हम भोपाल में भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसी स्तर की शिक्षा मिलने वाली है, हम दिल्ली में पढ़ रहे हैं हमें उसी स्तर की शिक्षा मिलने वाली है, हम बंगलुरु में पढ़ रहे हैं तो हमें उसी स्तर की शिक्षा मिलने वाली है। मेरे टेंथ में कितने भी परसेंट आ रहे हैं मैं अपनी च्वाइस की बेसिस पे विषय चुन सकता हूँ, उसमें मेरे परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम करता है बैरियर। और दूसरी बात यह है कि एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि वो काफ़ी
मेरी नज़र में कम इम्पॉर्टेंट वो ये है कि एग्ज़ाम उसमें एग्जामिनर दूसरे होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले परीक्षक होते हैं वो दूसरे होते हैं, तो ये भी एक फियर फैक्टर का काम करता है। इन तीनों कारणों को आप मिला दें तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से पूरे घर का मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड परीक्षाओं के समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, परसेंटेज की आपने बात की, तो जिस तरह से हम बात करते हैं छात्र छात्राओं की, तो कहीं ना कहीं हर किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है, हर किसी की जो तरीका होता है पढ़ाई का वो सब अलग होता है, तो हर किसी से उम्मीद करना कि 90% लाएंगे ये बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता को या दूसरे लोगों को भी ये समझना होगा कि हर छात्र की अपनी एक विशेषता होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं माता पिता या जो पीयर प्रेशर है उसके कारण छात्र छात्रा ज़्यादा तनाव लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे जो कंपैरिजन की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता भी थोड़ा सा बच्चों की क्षमताएं उन्हें पता होती हैं, उसके बावजूद जो उनकी अपेक्षाएं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो इच्छाएं और जो उनके अंदर हिलकोरे मारती हैं कि इतने परसेंटेज हमारे बच्चे को लाना चाहिए, वो साल भर नहीं होती, वो एग्ज़ाम जैसे ही आता है उस टाइम पर जो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं खुद पर भी और बच्चों पर भी, वो घातक सिद्ध होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई भी एक्सपेक्टेशन करें तो अपने बच्चे की क्षमता का आकलन आप उसमें प्रॉपर करें। ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा एक एवरेज दर्जे का परफॉर्म कर रहा है साल भर, या पिछले 9 एग्जाम्स में जो 9th क्लास तक या 11th क्लास तक वो आया है, और रातों रात ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा और वो 90% आ जाएगा। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से आकलन करें, और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे में अगर आप गंभीरता, विवेक, जो उसको उसके अंदर जो विवेक आता है अपनी पढ़ाई उसके लिए क्यों ज़रूरी है, ये अगर आपने डाल दी तो बच्चा अपना 100% देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा इनपुट बहुत अच्छा होता है तो उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। जी जी, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि छात्र छात्राओं का जो रुझान होता है, जो रुचि होती है, वो किसी दूसरी तरफ होती है, लेकिन माता पिता हैं या कहीं ना कहीं प्रेशर में आके वो दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या माता पिता को भी ये सोचना होगा कि जिस तरफ छात्र छात्राओं की रुचि है उस तरफ उनको भेजा जाए, और अगर दूसरी तरफ लेकर जाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको तनाव होगा और जो उनसे उम्मीद की जाती है वो नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी बात को मैं काफ़ी हद तक सही मानता हूं कि निश्चित तौर पर वो कई बार अपने खुद के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो उनसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो अपने उस उम्र में खुद वो काम करना चाहते थे, वो किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाते, वो सपने भी देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं और इनपुट देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो सोच आई है, जैसे सपोज़ क्या आप भी इस मामले में मेरे से राय रखेंगे कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और कोई पेंटिंग कर रहा है तो क्या दोनों की आजीविका बराबर चलने की संभावना है भारत जैसे देश में? कोई तैराकी कर रहा है और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उसमें क्या दोनों में असमानता नहीं रहेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी, जो माँ बाप के अंदर ये जो भाव आया है वो असुरक्षा की वजह से आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनका बच्चा चित्रकारी करेगा तो वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसमें बहुत दूसरे तरीके से गौर किए जाने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को बनाएं कि कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो किसी भी फील्ड में जाने से पूरी हों। तो जब वो पूरी होती हुई दिखेंगी मदर फादर को तो उनके अंदर वो असुरक्षा का भाव नहीं आएगा। जब वो असुरक्षा का भाव नहीं आएगा तो वो अपने बच्चे को शायद प्रेरित करेंगे कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विदेशों में पैटर्न दूसरा है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है पेट की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम डिस्कशन नहीं करते कि क्यों मदर फादर जजमेंटल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, फैज। तो फैज, आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, आप पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहता है, उसमें काफी टेंशन उसको रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से उसका अपन माइंड को ठीक कर सकें ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और आगे सही नंबर ला सके। इसी वजह से मुझे लगता है कि उसको ज्यादा नंबर भी पिछड़ जाता है, एग्जाम्स का एक तरह से प्रेशर उसके दिमाग पर काफी ज्यादा रहता है, तो उसके लिए सुझाव दीजिए। जी फैज़ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने बच्चों के साथ संवाद बहुत अच्छा स्थापित करना चाहिए। यूजुअली जैसे फरवरी, मार्च या जनवरी का महीना आता है, यहाँ पर हमें अपना बच्चों का समझाइश जो मोड है मदर फादर को, वो ऑफ कर देना चाहिए। हम यूजुअली बहुत अच्छा समझाते हैं लेकिन यहाँ पे उल्टा काम करना चाहिए, बच्चों की सुननी चाहिए कि उनके मन में क्या व्यथाएं चल रही हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सारे प्रेशर से जूझ रहा होता है। उसे पीयर प्रेशर है, उसे अपने जो क्लास में बच्चे हैं उनसे ज़्यादा नंबर लाना है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है,
उसको खुद को लेकर के कुछ सपने हैं उनको पूरा करना है, इस जद्दोजहद से बच्चा आपका गुजर रहा होता है। तो ऐसे में अगर हम बच्चे की बात अच्छे से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आधी एंजाइटी इस बात से दूर हो जाती है। दूसरा, बच्चे के अंदर आप ये कॉन्फिडेंस दें कि आप उसको कंडीशनल लव नहीं करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। आपका जो प्यार होगा वो हमेशा वैसा ही होगा, चाहे उसके 22% आए या उसके 90% आए या 66% आए। वो परसेंटेज जो उसके आ रहे हैं वो वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है, लेकिन मैं अपने बच्चे का आकलन इस बेसिस पे नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चे के प्यार में कटौती या बढ़ोतरी इस आधार पर नहीं करूंगा कि उसका पढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस था या उसने क्या परसेंटेज लाए। तो जब ये भाव बच्चे के मन में आता है तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस भी निखर जाता है, बच्चे का संवाद अच्छा हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब एग्जाम से बहुत ज्यादा महीने बचे होते हैं तो वहां पर जरूरत होती है कि हम अपना फंड ऑफ नॉलेज बढ़ाएं, जो बुक्स में लिखा है उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं वहां पर मानसिक स्वास्थ्य का सुदृढ़ रहना ज्यादा जरूरी है। वो अच्छे संवाद से आएगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसकी बराबर नींद का ख्याल रखें। आप उससे कोई नए एक्सपेरिमेंट अगर बच्चा आपका कर रहा हो तो उसको डिस्करेज करें कि वो सपोज साल भर उसकी रात में 8 घंटे सोने की आदत है, वो आप रात में जाग करके पढ़ रहा है, तो नए एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं करें। और उसको खेलने कूदने के लिए भी प्रमोट करें। अगर बच्चा आपका आधा घंटे एग्जाम के समय खेल भी रहा है तब भी 23.5 घंटे बचते हैं, 10 घंटे सो भी रहा है तो 14 घंटे बचते हैं। तो हमें जो भी जैविक क्रियाएं हैं उनको मैनेज करने की बेहद आवश्यकता है। कई बार बच्चे खुद को भूखा रखते हैं, वो डिस्करेज करिए, उनसे बोलिए कि वो प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से बचें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप फिलहाल बच्चे के लिए कर सकते हैं तो वो अच्छे से सुनकर, और दूसरा डिस्करेज करना है आपको सोशल मीडिया के यूज़ से और मोबाइल के यूज़ से उसे डिस्करेज करना है। इससे मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस में काफ़ी असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि एक घर में 2 बच्चे हैं, माता पिता दोनों बच्चों को हालांकि बराबर प्यार करते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा पढ़ाई में तेज़ है, ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आता है तो अक्सर देखा जाता है कि उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो जल्दी पूरी होती हैं और उसकी तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, जबकि दूसरा बच्चा खुद को डिस्करेज महसूस करता है। कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशन कई ज़्यादा घरों में देखी जाती है। तो ऐसे में उस बच्चे के मानसिक स्तर पर क्या गुजरता होगा जब माता पिता एक बच्चे को तो ज़्यादा उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और दूसरे बच्चे को उतना नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके उस तरह के परसेंटेज नहीं आते एग्जाम में। निश्चित तौर पर जैसा कि अभी मैंने मयंक जी पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमेशा पढ़ाई से भी इतर अगर हम बात करें तो हमें बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अगर आपने बच्चे को कंडीशनल लव सिखाया है तो वो बच्चे में द्वेष तो उत्पन्न करेगा, उसके अंदर हीन भावना भरेगी, अपने अपने ही भाई बहनों के प्रति उसमें उनमें ईर्ष्या की भावना कई बार आने लगती है। तो ये बेहद गलत है, कभी भी किसी भी बच्चे को कंडीशनल लव मत सिखाइए। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि आप ये पैटर्न उसे सिखाएं, लेकिन आप किस तरीके का नागरिक उसे देंगे ये बड़ी मुझे लगता है अभी फ्यूचर में आप एक देश को अच्छा नागरिक भी नहीं दे पाएंगे, जो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बच्चों में द्वेष और तुलना जो है वो यूजुअली पेरेंट्स उसे सिखाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का कंपेरिजन करके ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर बच्चे का जो माइंड मेकअप है, जो IQ है, जो क्षमता है उसको ग्रैस्प करने की, उसको समझने की, वो बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैं बायोलॉजी बहुत अच्छी जानता हूं लेकिन मुझे हो सकता है मैं कॉमर्स मुझसे उतनी अच्छी नहीं आती हो। तो बच्चे का आप मुझे लगता है कि अगर कुछ भी आप बच्चे पे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, अगर 2-3 बच्चे हैं आपके घर में तो तुलना नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भोपाल से मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका क्या कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि मेरा बेटा क्लास में है और क्या मुझे अभी से ही उसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस लाइन में वो जाएगा, क्योंकि अभी देखते हैं कि वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है या पढ़ता भी है तो उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो क्या अभी 8th क्लास से ही ध्यान देना है या जब 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट का चयन करना है जब से हमें उसे ध्यान देना होगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी से ध्यान देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप भी उन्हीं पेरेंट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो 10th के बोर्ड एग्जाम में अचानक 90% का एक्सपेक्टेशन पाल करके बैठेंगे जब फरवरी मार्च आएगा 2022 या 23 में। इंपॉर्टेंट बात है कि अभी बच्चे का आप आकलन कीजिए, उससे उसे जिस सब्जेक्ट में कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। कई बार कुछ बच्चों में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं,
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चा वो बच्चा मैथ्स उतना अच्छा नहीं कर पाता, कुछ बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जो भाषा पर उतनी अच्छी कमांड नहीं रख पाते, हो सकता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, और कई बार हम ये एक माता पिता के रूप में चौंक जाते हैं कि इतना ह्यूज वेरिएशन कैसे है कि एक बच्चा मैथ में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा भाषाओं में इतना पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हम इस चीज़ को समझें, आप एक्सपर्ट की भी राय ले सकते हैं उस विषय में, और अभी से ध्यान देना होगा। 12 साल से 18 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत काम करने की होती है वो होती है बच्चों का विवेक का विकास हो रहा होता है, वहाँ पे हमने अगर बच्चे के अंदर जिम्मेदारी का भाव ला दिया, एक उसके अंदर फीलिंग आ गई कि क्या किस लिए क्यों ज़रूरी है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली हम इस पर काम न करके सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि गड़बड़ होंगी। तो सब्जेक्ट का चयन भी करें तो बच्चे का देख लें कि क्या कैसे इंटरेस्ट है नहीं है, और एक बेसिक फाउंडेशन तो अभी से ही बनाना ज़रूरी है। हमें मुझे लगता है आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है, अभी से तैयारी कर लेनी है। जी बिल्कुल, अभी से तैयारी कर लेनी है। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कई बार हम देखते हैं बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, साल भर उसकी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीद उससे मार्क्स की जाती है वो नहीं मिल पाता। तो क्या क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जो नतीजे होने चाहिए वो उसके पक्ष में नहीं आते? देखिए, जहाँ कहीं पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आते, जहाँ कहीं पे भी हम निबंधात्मक प्रश्न लिखते हैं या किसी के आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिव वेरिएशन में बहुत हो सकता है। हम किसी भी विषय पे लिखते हैं, वो कॉपी मेरे पास जांचने के लिए आई, तो हो सकता है कि उन 100 शब्दों में जिसमें बच्चे ने आंसर लिखा है, मैं हो सकता है उसको 6 नंबर दूँ, मैं या आप हो सकता है उसको 8 नंबर दें, या कोई इंसान उसे 1 नंबर दे सकता है। तो कई बार सब्जेक्टिव वेरिएशन भी बहुत सारे हो जाते हैं। हमें ये मालूम होना है चाहिए कि हमारी सब्जेक्ट पर कमांड है और जो नंबर मिल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जो परीक्षक होगा उसके उसको जो उसके व्यक्तिगत बायस होंगे कॉपी चेक करते समय, उसकी वजह से भी नंबर में काफ़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो मेहनत हमेशा जो करनी है वो हमें ये करनी है कि हमें सब्जेक्ट पर कमांड है कि नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा जो भी प्रश्न है वो उसमें वेरी कर सकता है, तो इस बात की आप चिंता बिल्कुल ना करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारी कॉलर आस्था देवास से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आस्था जी, आपसे क्या कुछ सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं, आप पूछ सकती हैं। मुझे रात में सोते समय रिजल्ट को लेके अजीब अजीब से सपने आते हैं, तो ये मेरे दिमाग से मैं कैसे निकालूं कि मेरा रिजल्ट जो है वो खराब ही होगा? जी आस्था, देखिए आपकी जगह शायद मैं भी होऊंगा तो मुझे भी ऐसे ख्याल आ सकते हैं। जरूरत ये है कि ये कहीं ना कहीं एक हमें पता चलता है कि हम एंजाइटी से ग्रसित हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, 3 से 4 किलोमीटर आप पैदल चलें, हम योग प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे भी एंजाइटी की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब एंजाइटी के शिकार होते हैं तो हमें अप्रिहेंशन होते हैं, आशंकाएं होती हैं, तो ये आप मेजर्स लाएँ और जो भी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक बैकग्राउंड में अपने अवचेतन में बसाएं। हम कई बार खुद को भी हम चीट करते हैं कि हम वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन ओवर रहते हैं। यूजुअली जो पॉजिटिविटी से भी बेटर है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें। तो कई बार जैसे मेरे अंदर क्षमता है 70 की, मुझे पता है मैं 70 लाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 90 आना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम कीजिए, आपकी एंजाइटी में काफ़ी राहत होगी। जी बिल्कुल। इस प्रश्न से एक मेरे अंदर एक प्रश्न सामने आ रहा है कि एक हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं सक्सेस को लेकर कि हमें सक्सेस हासिल करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेलियर को कैसे फेस करना है ये नहीं सिखा पाते, और कहीं ना कहीं जब कभी फेलियर सामने आता है तो बच्चे टूट जाते हैं या फिर बड़े भी टूट जाते हैं। तो इस फेलियर को कैसे फेस करना है, ये किस तरह से सिखाया जा सकता है बच्चों को? इम्पॉर्टेंट बात यह है मैंग जी कि हमारे यहाँ की जो परवरिश है उसमें हमेशा सफलता को या विजय को ही महिमा मंडित किया गया है जी। बच्चों को मेरे हिसाब से शुरू से थोड़ा थोड़ा अभाव दिखाना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ गेम्स भी खेलें तो उसमें कई बार बच्चों को भी हराएं। कई बार मैंने देखा पेरेंट्स जो है वो एक्टिंग करते हैं कि वो हार गए हैं और वो जीत गया है। तो हमें बच्चे को प्रोसेस का जो इंजॉय करना वो सिखाना है कि खेल खेलना इम्पॉर्टेंट है, खेल के जो तरीके हैं, खेल के जो नियम हैं उनको एंजॉय करना हम नहीं सिखाते, हम रिजल्ट फोकस्ड उनकी पेरेंटिंग करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जो पेरेंटिंग हमने 18-20 साल तक जो उनके दिमाग में भरा है वो रातों रात बच्चे अपना हार को एक्सेप्ट कर लेगा। पहले हम ही सिखा रहे हैं कि बच्चा हार भी रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं बच्चा आप जीत गए हो, और फिर उसके बाद जब वो 10th में फेल होता है या नंबर कमाते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि अरे यार ये तो छोटी सी बात है। तो हम अपने
इस पैटर्न में शुरू से बदलाव लाएं, और हार जीत से ज्यादा जो महिमा मंडित करना है वो है किसी भी खेल की या जीवन का जो प्रोसेस है उस पे हमको फोकस करना है, तब जाकर के कहीं जब वो बच्चा एडल्ट होगा या 16-18 साल की उम्र में होगा तो उसे हार से फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ कॉलर मोहित ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मोहित, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि परीक्षा को लेकर जो है मेरा बेटा, हम लोग काफी मतलब पिछले एक दो महीने से जुटे हुए थे और परीक्षा अब आखिरी पड़ाव पर है। अब परीक्षा के बाद छुट्टियां शुरू होंगी और नया सेशन भी शुरू होगा, तो इस बीच में एक मतलब तनाव को मुक्त करने के लिए किस तरह से एक्टिविटीज की जा सकती है या कहीं बाहर घूमा जा सकता है, तो इसको मतलब किस तरह से हम एक फ्रेश जो है बच्चे के लिए ले सकेंगे वो अगली क्लास में प्रिपेयर हो सके। ऐसा लगता है कि आप पहले तो बच्चे की च्वाइस के आधार पर ये चीज डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे क्या कैसा उनको करना है नहीं करना है, और मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन टच को बढ़ावा देना चाहिए, जो हमारा ह्यूमन कम्युनिकेशन है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे उसको ट्रिप में ले जाएंगे उससे बेहतर है कि अगर आप अपने उसको कजिन्स के यहाँ ले जाएं या दादा दादी या नाना नानी वहाँ पे ले जाएं, जैसा पहले पैटर्न हुआ करता था 15-20 साल पहले कि बच्चे के मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाते थे और वो जुलाई अगस्त में आता था। तो ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इसे मैकेनिकल सोशल मीडिया के प्रभाव में या पीयर प्रेशर में हमको लगता है हम यहाँ की ट्रिप चले जाएं वहाँ की, हालांकि ये बेहद व्यक्तिगत मामला है, बच्चे की चॉइस पे भी निर्भर करता है, तो उसके पसंद के आधार पर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई का आप प्रेशर बनाएं कि अभी से आप अगली क्लासेस के कुछ चैप्टर्स खत्म कर लीजिए, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संवाद बढ़िया रखें और बच्चे में को संवाद स्थापित करेंगे तो बच्चा आगे क्या करना चाहता है ये भी खुल के सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सत्यकांत आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, हमको इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से परीक्षाओं का समय है, कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के मन में कई सारी शंकाएँ होती हैं, काफ़ी तनाव होता है, उनसे कैसे निकलना है वो हम इस कार्यक्रम में बताते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में आते हैं और वो इन छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन देते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।